नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। हिंदुस्तान में हुई राफेल की जबरदस्त लैंडिंग, गगनभेदी गर्जना व अचूक मारक क्षमता से दुश्मनों को थरा देने वाले नभ के नए व जोशीले पहरेदार राफेल लड़ाकू विमानों का अभिनंदन। वायुसेना को यह अमोघ शक्ति प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बधाई। हम आपको बताते चलें कि 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला एयरबेस 5 राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। 29 जुलाई 2020 भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ये वो तारीख है जब फ्रांसीसी कंपनी दसों का फाइटर जेट राफाल भारत का हो गया है। 22 साल का इंतजार आखिर खत्म हो गया है। फ्रांस के फाइटर राफेल के हिंद की सरजमी पर पहुंचने के साथ ही देश को एक नया लड़ाकू विमान मिल गया है। राफेल हवा में सिर्फ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की बहुत धीमी रफ्तार से उड़ने के साथ साथ 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार भी पकड़ सकता है। ये ना सिर्फ हवा से हवा में मार कर सकता है, बल्कि हवा से जमीन में भी हमला करने में सक्षम है। ये ना सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। अंबाला एयरबेस पर राफेल से पहले जगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को भी किया जा चुका है तैनात। प्राइम न्यूज 24 के लिए आकाश प्रजापति, लखनऊ ब्यूरो।